जनपद में बहरामपुर में स्थित हजरत सैयद सालार मसौदी गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाले मियां के मजार पर हिंदू व मुस्लिम ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि बाले मियां का मुख्य मेला 14 मई से शुरू हो गया है। यह मेला हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जिसमें हिंदू व मुसलमान बाले मियां के दरगाह पर आकर चादर चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यहां पर जो भी बाबा को चादर खुरमा चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। सोमवार की दरगाह पर पहुंची एक हिंदू महिला राजमती ने कहा, मेरे पुत्र को आंख से दिख नहीं रहा है, बाबा का बहुत नाम सुना था इसलिए दर्शन करने चली आई हूं और उनसे मन्नत मांगी हूं, बाबा मेरे पुत्र की आंख को ठीक कर दें। वही कप्तानगंज से दर्शन करने आए मौलाना अखबार ने कहा कि हम यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं, यहाँ पर बाबा को चादर चढ़ाने व दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। पिछले दो वर्षों से मेले में नहीं आ पाए थे, लेकिन इस वर्ष आए हैं। यहाँ पर मेला भी लगा है जो कि एक महीने चलता है और यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। इस मेले में सभी तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए बच्चे भी मेले में आने की जिद करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाले मियां दरगाह के केयरटेकर रियाजुद्दीन ने कहा, मेला शुरू होता है जैसे मार्च में लगन, वो मार्च में होली पड़ता है और होली के पहले आतवार को बाबा का लगन पड़ता है, जिसमें मेले का दिन रखा जाता है, मुख्य मेले का दिन रखा जाता है, जो मेले का दिन है 14 मई। 14 मई से लेकर 14 जून तक चलेगा ये मेला। मगर भीड़ भाड़ वाले मेले में जो 14 मई को मेला पड़ता है उसमें लोग काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता करके आते हैं, बगैर भेदभाव के सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं कि बाबा हम चांदी कैंकिया चढ़ाएंगे हमारी आँख सही हो जाएगी, बाबा हम फलन पीली चढ़ाएंगे हमारा कोख खुल जाएगा, बाबा हमारा कंठ खुल जाएगा तो हम मुर्गा चढ़ाएंगे। इस तरीके से सबकी मन्नतें पूरी हुई हैं और पूरा होता रहा है। लाखों लाखों संख्या में, हजारों की संख्या में कल देखिए पलंगपुरी आ रहा था गाजा बाजा के साथ, नाचते गाते लोग आ रहे हैं, पलंगपुरी चढ़ा रहे हैं। पहला पलंगपुरी जब चल जाता है तो उसके पीछे पीछे लोग आते हैं लेके पलंगपुरी। जैसे कोई है तिवारीपुर से आता है, कोई मेडिकल से आता है, कोई झुंगिया से आता है, कोई बसंतपुर से आता है, कोई मियाँ बाजार से आता है, कोई राजघाट से आता है, ऐसे लोग मिला के आते हैं। जब पलंगपुरी चल जाती है बेहूती तो उनके पीछे पीछे सारी पलंगपुरियाँ आती हैं गाजे बाजे के साथ। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, मेला लगता है एकदम। भैया भीड़ भाड़ इसलिए लगता है कि बाबा के यहाँ लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। चार लोग और ले आके आते हैं, चलो बाबा के यहाँ। अरे यार बाबा के यहाँ चलो तो पहले मांगो तो उनसे, जब मांगोगे तभी ना देंगे। इस तरीके से जब उनका ठीक हुआ है तो चार छः लोग के और लेके आए हूँ। इस तरीके से जी, हमारा नाम मोहम्मद, हमारा नाम रियाजुद्दीन है, हमारे भाई का नाम खालिक है, जो मेला पर।